अगर आपको भी हमारे नए वीडियोस देखने के लिए नहीं मिल रहे हैं तो हमारे वीडियोस के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर घंटे बटन को जरूर दबा दें, नहीं तो आपको हमारे नए वीडियोस की सूचना नहीं मिल पाएगी। माही के बलिदान बैच को लेकर घमासान मचा है और एक बार फिर पूरा हिंदुस्तान माही के साथ है। करोड़ों हिंदुस्तानियों का ये साथ ही धोनी की सबसे बड़ी ताकत है। यही वजह है कि धोनी ने ग्लव्स से बलिदान बैच हटाने से मना कर दिया है, यानी धोनी के ग्लव्स में ये बलिदान बैच आगे के मुकाबलों में भी नजर आएगा। लड़ाई अब न सिर्फ बीसीसीआई और आईसीसी की है, शायद हिंदुस्तान और आईसीसी की हो गई है, क्योंकि भारत में एक धारणा है कि महेंद्र सिंह धोनी अपने दस्ताने पर सिर्फ बलिदान का इंसिग्निया लगा रहे हैं तो आईसीसी क्यों नहीं अलाउ कर रहा है। बीसीसीआई ने आधिकारिक तौर पर आईसीसी को लिख दिया है कि परमिशन दी जाए, क्योंकि ना तो ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, ना ये रिलीजियस स्टेटमेंट है, ना ही ये रेशियल विलिफिकेशन है। और इस लिहाज से अगर धोनी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच और उसके बाद के मैचों में भी दस्ताने पर वो इंसिग्निया लगाकर खेले तो उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन आईसीसी का अभी भी ये मानना है कि टेक्निकली जो नियम है इस वर्ल्ड कप में और जो हर बोर्ड को मान्य होते हैं उसके तहत अभी भी वो धोनी को परमिशन नहीं दे सकते हैं। क्रिकेट का सबसे बड़ा मेला और धोनी के ग्लव्स में बना ये बलिदान का बैज जिसने क्रिकेट महकमे में हड़कंप मचा दिया है। क्रिकेटर, नेता और फैंस सब धोनी के साथ खड़े हैं। मैं आईसीसी से और पाकिस्तान के तर्क से असहमत हूँ। धोनी भारत के खिलाड़ी हैं और वो सेना के अधिकारी भी हैं, लिहाजा अपनी सेना के शौर्य और पराक्रम के चिन्ह को लेकर के अगर वो लंदन गए हैं तो मुझे इसमें कोई हानि नहीं दिखती। नहीं, ये इसको पॉलिटिसाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मैटर गेम का है, क्रिकेट है, गेम तक रहना चाहिए। हम सब धोनी को जानते हैं, धोनी ने नेशन के लिए क्या क्या, कैसे वो इंसान है, क्या है। मैं समझता हूं कि इस पे मुझे बहुत आपत्ति है और हमारे देश की सेना को गौरवान्वित करने वाला ग्लव्स अगर इन्होंने कुछ पहना है तो उसको उतारना नहीं चाहिए था। मैं इस पे अपनी अप्रसन्नता जाहिर करता हूं। इंग्लैंड से लेकर हिंदुस्तान तक मचे इस विवाद पर बीसीसीआई भी माही के बचाव में पूरी तरह से उतर गया है। बीसीसीआई ने आईसीसी को चिट्ठी लिखी है जिसमें साफ कहा है कि धोनी ने आईसीसी के किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया है। बीसीसीआई ने साफ किया कि धोनी को ग्लव्स से बैज हटाने की जरूरत नहीं है। खेल मंत्रालय भी धोनी के साथ खड़ा है जिसने बीसीसीआई से मामले की जानकारी मांगी है। महेंद्र सिंह धोनी का जो एक अपना एक पहचान है वो देश का एक पहचान है, हमारे सेना का एक पहचान है, वो कोई राजनीति नहीं है। तो उसके हिसाब से बीसीसीआई उसके साथ खड़े रहे। तो अभी मुझे जो खबर मिला है तो बीसीसीआई ने एक स्टैंड दिया है, तो बीसीसीआई का जो स्टैंड है वो अच्छी तरह से रखे, मेरा ऐसा कहना है। ये ठीक चीज़ है, मेरे ख्याल से सही अनुरोध है सीओए का, और आईसीसी को उस पर पुनर्विचार करना चाहिए और उन्हें लगाए रखने देना चाहिए इसमें, क्योंकि ना तो इसमें कोई व्यापारिक उसका कोई उन्हें पैसों से फायदा हो रहा, ना कोई धार्मिक इसमें कोई चीज़ है जो आईसीसी के प्रावधान है, और ना ही कोई राजनीतिक प्रचार है। धोनी को मिल रहे समर्थन को देखकर आईसीसी के तेवर भी अब नरम पड़ते जा रहे हैं। बीसीसीआई की चिट्ठी के बाद आईसीसी का कहना है कि बलिदान बैच में कोई राजनीतिक, धार्मिक या नस्लीय संदेश नहीं है, तो आईसीसी इस अनुरोध पर विचार कर सकता है। विवाद बीसीसीआई और आईसीसी का है, लेकिन पाकिस्तान बीच में कूद गया है। पाकिस्तान के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री फवाद हुसैन चौधरी ने धोनी पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि धोनी इंग्लैंड मैच खेलने गए हैं, ना कि महाभारत के लिए। पाकिस्तान बलिदान की अहमियत को क्या समझे? धोनी के छक्कों से डरने वाला पाकिस्तान अब धोनी के बैच से भी घबरा रहा है। बहरहाल पूरा हिंदुस्तान माही के साथ खड़ा है और माही ने भी साफ कर दिया है कि बलिदान बैच को पहनकर उन्होंने कोई गलती नहीं की है। ऐसे में वो अब इस बैच को हटाने वाले नहीं है। आने वाले दिन शायद आईसीसी के लिए आसान नहीं होने वाले। बीसीसीआई लिख चुका है धोनी को दस्ताने पहनने की इजाजत दी जाए, लेकिन आईसीसी को यह भी देखना होगा कि ना सिर्फ उनके नियम और कानून बल्कि आगे चलकर अगर बाकी टीमों के खिलाड़ी भी इसी तरह की परमिशन मांगनी शुरू हो गए तो फिर क्या होगा। यह आने वाले दिन या तो तूफान होगा या फिर धोनी खुद से कहेंगे कि मैं इस दस्ताने को नहीं पहनूं।